If z square upon z minus 1 is always real, then locus of z is, ठीक है, अपने को z का locus बताना और given है z square upon z minus 1 is always real. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, z, let's say मैं assume कर देता हूँ, z को क्या assume करूँगा, x plus iota y, ठीक है, z अगर मैं ये assume करूँ, x plus iota y, तो ठीक है, तो यहाँ से z square की value क्या आ जाएगी, z square की value आ जाएगी, x plus iota y का whole square, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये x square plus iota square y square और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 iota x y आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूँ तो iota square की वैल्यू minus 1 तो x square minus y square plus 2 iota times of x y, ये z square की वैल्यू आ गई. सिमिलरली अगर मैं z minus 1 की वैल्यू रखूँ तो z minus 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी x minus 1 plus iota times of y, ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी. अब मैं क्या करूं, यहां से जो गिवन कंडीशन है उसको सिंपलीफाई करता हूं, ठीक है, क्या था z स्क्वायर अपॉन z minus 1, ये क्या था, ये ऑलवेज रियल है, तो मैं ये वैल्यू सॉल्व करता हूं, तो z स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, x स्क्वायर minus y स्क्वायर plus 2 iota times of xy upon z minus 1, z minus 1 मतलब x minus 1 plus iota times of y. मैं यहां पे क्या करूं, रैशनलाइज कर देता हूं, ठीक है, x minus 1 डिनोमिनेटर में x minus 1 plus iota y, मैं इसे रैशनलाइज कर देता हूं, ठीक है, सबसे अपना काम क्या है, मैं डिनोमिनेटर को iota से फ्री करूं, इसे अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x minus 1 plus iota times of y और न्यूमरेटर में भी इसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे x minus 1 plus iota times of y, जिसको अपन सिंपलीफाई करें और बेसिकली इसके जो इमेजिनरी टर्म्स होगा उसको जीरो कर देंगे, ठीक है, जो भी इमेजिनरी का कोफिशिएंट है, आयोटा का जो भी कोफिशिएंट आएगा उसको जीरो कर देंगे, क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज रियल है, उससे अपने पास क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा, ठीक है. तो मैं यहां पे यही ये वाला कंडीशन सॉल्व करता हूं, तो अब अगर लेट्स से मैं सॉल्व करूं तो अब बेसिकली क्या आ जाएगा, यहां से मैं अगर x स्क्वायर से सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x क्यूब, ठीक है, अगर मैं x स्क्वायर से सॉल्व करूंगा यहां पे 2 आयोटा x है, ये आ जाएगा x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और यह आ जाएगा आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर से सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई क्यूब, ठीक है, ये अपन ने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई क्यूब. अब 2 आयोटा एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, यह आ जाएगा प्लस 2 आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, 2 आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई और यह आ जाएगा माइनस 2 आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स वाई और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 तो माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू मैं रखूँ जाएगा माइनस टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 मैंने पुट कर दिया एक्स और वाई स्क्वायर आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू अपन लगाऊँ ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसका क्या आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का ये आ जाएगा सिंपली एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस एक सेकेंड अपन ने यहाँ पे प्लस आयोटा यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसका कम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक करी है तो अब ये प्रोडक्ट क्या होगा ये चेंज हो जाएगा, अपन ने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी है, एक्स माइनस 1 प्लस आयोटा वाई था डिनोमीटर में तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 माइनस आयोटा वाई से तो इसी से अपन इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई अगर मैं वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई क्यूब, ठीक है, और 2 आयोटा एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई और ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा एक्स वाई और ये आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा और माइनस साइन है तो ये आ जाएगा
प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आयोटा स्क्वायर माइनस टू आयोटा स्क्वायर, तो ये प्लस का टू आयोटा एक्स, ये आ जाएगा टू एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म्स आ जाएगा। और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट कर दिया, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, तो ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या बोला, ये ऑलवेज रियल है, तो आयोटा के कोएफिशिएंट को अपन क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो रियल वाले कोएफिशिएंट मैं अलग करता हूँ, ठीक है। तो रियल वाले कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये आयोटा वाला है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा, ये प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर, ये तो आ गया रियल वाला। और आयोटा वाला अगर मैं सॉल्व करूँ, आयोटा कॉमन लेके, ठीक है, या फिर माइनस आयोटा कॉमन लेके यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ माइनस आयोटा वाला, तो ये आयोटा का क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, एक टर्म्स यहाँ पे आयोटा का, एक आयोटा का टर्म्स यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ वाई क्यूब, माइनस ऑफ वाई क्यूब, आयोटा के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या था, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये माइनस टू एक्स वाई, ये आयोटा वाला कोएफिशिएंट आ गया। और इसके डिनोमिनेटर में अपन क्या रख देंगे, इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूँ तो डिनोमिनेटर लिखूंगा मैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में भी अपन क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं बोलूँ इन्होंने क्या बोला, ये टर्म्स जो है वो ऑलवेज रियल नंबर है, तो ऑलवेज रियल नंबर है तो आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो आयोटा का कोएफिशिएंट अगर जीरो है तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो आयोटा के कोएफिशिएंट को अपन ने क्या बोल दिया है, जीरो। तब अगर मैं ऊपर में देखूँ तो इसका न्यूमरेटर ही जीरो होगा, डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता है, तो न्यूमरेटर से मैं क्या वाई कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, न्यूमरेटर से मैं वाई कॉमन लूँ, तो वाई कॉमन लेके ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इजकल्स टू जीरो। तो यहाँ से अब क्या पॉसिबल कंडीशन है, यहाँ तो अपन बोल दे क्या वाई इजकल्स टू जीरो होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये वैल्यू जीरो हो। तब ये तो कोई अपने पास जो अपने पास जो भी कर्व्स होते हैं उसमें से किसी के लिए ये प्रोबेबल, या फिर मैं इसको इसकी वैल्यू देखूं तो ये वैल्यू क्या है, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, या और ये क्या आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये अपने पास कोई जो जितने भी कर्व के डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ रहा है, वाई इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, तो वाई इक्वल्स टू जीरो मीन्स अपन क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस, ठीक है, रियल एक्सिस अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आंसर देखूँ तो रियल एक्सिस और सर्कल बोल रहा है, तो यहाँ से अब मैं सर्कल आ सकती है क्या, ये अगर मैं ये वैल्यू देखूँ, यहाँ पे मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया था तो ये एक्स स्क्वायर वाई आया था, और यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पे ये साइन क्या आ जाएगा, माइनस लिया था तो यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये साइन अगर मैं चेंज करूँ तो बेसिकली ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये साइन भी क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर भी ये वैल्यू देखो तो ये भी माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये एक इक्वेशन आ जाएगा अपने पास, अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो बेसिकली ये एक अपने पास क्या आ गया, एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, और वाई इक्वल्स टू जीरो जो है वो क्या है, रियल लाइन है। तो ये तो रियल एक्सिस है, और ये क्या है, ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तब अपन बोलूँ तो जो लोकस होगा जेड का वो तो या तो रियल एक्सिस होगा या एक सर्कल होगा। तो अगर मैं देखूँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ठीक है।